हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा हार्ट शेप हेयर बैंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वूल, वाइट कलर की वूल ली है, क्रोचेट 4 mm का है ये, और कुछ मोती जो डेकोरेटिव मोती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम हेयर बैंड बनाने जा रहे हैं गर्ल्स के लिए, तो हमें जितनी लंबाई चाहिए सबसे पहले हम उतनी चेन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट लगा देंगे। इसके बाद में हम जितनी लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग चेने बनाएंगे। ये मैंने 150 चेन है वो कर ली है। जब भी आप वूल लेते हैं थोड़ा सा क्रोशिया थोड़ा थिक लीजिएगा जब भी हेयर बैंड बनाते हैं, और तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग ही लीजिए, लेकिन हेयर बैंड के लिए आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लेंगे। अब इसके बाद में हम एक चेन बनाएंगे और इसमें इस तरह से डीसी बनाते हुए जाना है हमें पूरी चेन। इस तरह से हमने ये 50 चेन है उस पर डीसी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला जो है इस लूप को लेंगे और इसमें 2 चेन बनाएंगे, और फिर ये जो चेन है उसी में हमें ट्रेबल बनाना है। टोटल हमें 5 ट्रेबल बनाने हैं इसमें। ट्रेबल बनाना मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां से देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक ही चेन में मैंने 5 जो है ये 5 ये ट्रेबल बनाए हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद थर्ड नंबर वाली जो चेन है ये, उसमें हमें इसको अटैच कर देना है इस तरह से। तो इसका शेप कुछ ऐसे आएगा जैसे सीप का होता है, इस तरह से शेप आएगा। इसी तरह से हम वापस से 2 चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था उसी में हम वापस से 5 जो हमारे ट्रेबल हैं वो बनाएंगे। इसी तरह इसे करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, और हमें लास्ट में ये जो आएगा इसमें हमें 50 चेन्स छोड़ देनी है। इस तरह से हमने ये बुन लिया है, लास्ट की 50 चेन है जो उसे मैंने छोड़ दी है ऐसे, और अब इसका शेप कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम वापस से जो 50 चेन्स बचती हैं उसको हम वापस से पूरा ही डीसी में बुनेंगे इस तरह से लेके। ये पूरा हमें यहां तक बुन लेना है। ये मैंने पूरी 50 चेन्स जो है डीसी में बुन ली है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी में एक और डीसी इसी में बनाएंगे जो लास्ट वाली चेन है हमारी, और फिर इसको इस तरफ पलट देंगे और ये नेक्स्ट चेन में। इस तरह से करते हुए पूरा डीसी बुनना है यहाँ से यहाँ तक।
यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में जो हमारा डिज़ाइन जब स्टार्ट होता है, हमें वापस से इसमें लूप में क्रोशिया डालेंगे। उसके बाद में इसी होल में, ये जो जिस होल में हमने पहले बनाए थे, अब इसके बैक साइड पे करेंगे हम। तो हमें 1, 2, 3, 4 और ये 5 टोटल हमने वापस इधर भी हमने 5 ही बनाए थे। अब बैक साइड से हम जब चल रहे हैं तो इसमें इसी लूप में हमें 5 ट्रेबल बनाने हैं और इसको इसी होल में यहाँ पे अटैच कर देंगे इसको डीसी से, इस तरह से। तो इसका शेप कुछ ऐसा हार्ट शेप जैसा आएगा। इसके बाद में हम वापस से कोई चेन नहीं बनानी है। अब हम इस होल में नेक्स्ट वाला जो हमारा ये वाला होल है, इसमें हम वापस से 5 ट्रेबल बनाएंगे। और ऐसे ही इसको इसी होल में अटैच कर देंगे। तो हमारा ये इस तरह से शेप आता जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये होना है। इसी तरह से हम पूरा ये यहाँ तक करेंगे, जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये जो डिज़ाइन है इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ तक हमें करना है। पहले हमने इस तरफ से किया था, उसके बाद में बैक साइड से किया था, तो ये हार्ट शेप आ गया है इसमें। अब इसके बाद में ये जो लास्ट का बचता है, हमें उसको पूरा ही डीसी करना है। सिंपल डीसी करना है इसको। जो हमने 50 चेन्स में पहले भी डीसी बनाया था, इसी में बैक साइड से अब की बार बनेगा। लास्ट में हम इसको नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड जो है उसे कट कर लेंगे। इसी को बैक साइड में लाके फिर से एक बार नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से हेयर बैंड तैयार है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। हमें इसको थोड़ा सा और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसको डेकोर करेंगे। इस तरह के जो पर्ल्स आते हैं, मोती हैं, उससे करेंगे। तो हम पहले ये लेंगे, नीडल लेंगे और इसमें आप चाहें तो इसको ग्लू से, फैब्रिक ग्लू जो आता है उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये लगाने हैं। ये जैसे इस होल में एक लगा दिया है, उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लगाएंगे वो नेक्स्ट होल में लगाएंगे। इस तरह से हम ये सारे मोती अटैच कर देंगे और ये कुछ इस तरह दिखेगा। तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारा ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड हार्ट शेप का रेडी हो जाता है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।